Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of english subject for grade 3 Students uh, yesterday we uh, went through the poem uh, the moon and today we are moving on towards its exercise and for the first part of the exercise has questions and answers uh, we have to answer four questions in this part so let's begin our work the first question is what is the moon's face compared to compared so what is the moon's face compared to what is the moon's face look like The moon's face is compared to a clock. The moon's face is compared to a clock. What is the moon's face compared to? The moon's face is compared to a clock. This is how you are supposed to write the question and answer in your neat notebook. What is the moon's face compared to? The moon's face is compared to a clock. The moon's face is compared to a clock. <clears throat> what are the various things that the moon shines on at night? What are the various things that the moon shines on at night? see different Various means different. Things that moons shine on. Jiske upar? On. सो मून की रोशनी पड़ती है एट नाइट मतलब रात के वक्त तो वो पोएम के जो फर्स्ट एंजाम है हमें काफ़ी सारी चीज़ों के नाम बताए गए थे हम वो लिखेंगे स्टूडेंट्स um, अक्सर इसका आंसर जो है वो अपनी तरफ से भी लिखते हैं कि मून की रोशनी दरख्तों पर भी पड़ती है परिंदों पर भी पड़ती है सारी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं काइंड ऑफ ठीक है बट uh, कोशिश करें कि आपको पोइम में जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप वही आंसर दें क्योंकि ये कंप्रीहेंशन ऑफ पोइम है आप अगर क्वेश्चन पोइम ही के हवाले से आंसर करेंगे तब जाके आपको पेपर में फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है वैसे क्रिएटिविटी इज़ नॉट अ बैड थिंग कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपनी तरफ से लिखें कि चांद की रोशनी किस किस चीज़ पे पड़ती है तो आप लिख सकते हैं बट कोशिश करें कि आप टू द पॉइंट चलें So, the question is What are the various things that the moon shines on at night? The moon shines on thieves, garden wall, streets, fields, harbor keys, and birds. The moon shines on thieves, garden wall, streets, fields, Harbour keys and birds. The moon shines on the thieves, garden walls, streets, fields, harbour keys and birds. Which creatures love to be out at night? Which creatures which creatures love to be out at night? Korn korn se, uh, Uh, रात के वक्त बाहर जाना पसंद करती है ठीक है बाहर रहना पसंद करती है सो क्रीचर लिविंग थिंग को कहते हैं ठीक है क्रीचर लिविंग थिंग को कहते हैं एनी लिविंग थिंग जितनी किस्म के भी लिविंग थिंग इस दुनिया में मौजूद है उन सबको को क्रीचर कहा जाता है क्रीचर विच क्रीचर्स लव लव टू बी आउट एट नाइट विच क्रीचर्स लव टू बी आउट एट नाइट कैट्स माइस डॉग एंड बैट्स लव ट आउट ऐट नाइट कैट्स माइस डॉग एंड बैट्स लव टू बी आउट ऐट नाइट आउल भी होता है बाहर नाइटिंग गेल भी रात के वक्त बाहर होती है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाहर होती हैं बट पोईम में इन चार का जिक्र हुआ है तो यही लिखेंगे ठीक है इसके अलावा का जिक्र आप मतलब अलग से उसकी लिस्ट बना सकते हैं रात के वक्त कौन कौन सी चीज़ें बाहर होती हैं जैसे ग्रास हॉपर्स भी होते हैं आ, ये कॉकरोच वग़ैरह भी होते हैं तो उन सब का जिक्र एक नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें हम करेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन में हम फोर ही चीज़ों के नाम लिखेंगे कैट्स माइस डॉग्स एंड बैट्स What do the things that belong to the day do at night? What do the things that belong to day do at night? What do the things that belong to day do at night? मतलब दिन से ताल्लुक रखने वाली चीजें और लोग रात के वक्त क्या करते हैं? The things that belong to the day cuddle to sleep at night. रात को सो जाते हैं। ठीक है कडल टू स्लीप एट नाइट हम इसके बाद ये जो दो क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लिखेंगे नहीं आ, ये आपका होमवर्क होगा ठीक है uh, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आप आगे से इसके आंसर्स लिखेंगे द पोइट हैज़ मैंशनड वेरियस क्रीचर्स ऑफ द नाइट पोइट ने uh, बहुत सारे मखलूक का जिक्र किया है मैंशनड ज़िक्र किया है जो रात को जागते हैं वट अदर क्रीचर्स डज द मून शाइन ऑन एट नाइट मतलब जिन क्रीचर्स का यहाँ ज़िक्र है उसके अलावा कौन से क्रीचर्स बाहर होते हैं जिस पर चांद की रोशनी पड़ती है अच्छा इसका आंसर इजी ये होगा जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जंगलात में रहते हैं उन पर मून की जो रोशनी होती है वो पड़ती है तो आप जितने भी वाइल्ड एनिमल्स के आपको नेम्स आते हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं और कुछ बर्ड्स के नेम मैंने आपको बताया आउल और नाइटिंगेल ये जो है रात को गुनगुनाते हैं ठीक है और इनकी जो आवाज़ होती है नाइटिंगेल uh, की बहुत खूबसूरत होती है तो आप बहुत सारे और क्रीचर्स के नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने कैट माइस डॉग और बैट्स का जिक्र किया है इसके अलावा जितने क्रीचर्स रात को बाहर होते हैं रात को जागते हैं उनका नाम आपने यहाँ पर लिखना है अच्छा सम क्रीचर्स यू नो दैट लव टू कटल अप एट नाइट आप उन क्रीचर्स के नाम बताएं जिनको जो रात को सो जाते हैं ठीक है जो रात को सोते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रात को सो जाते हैं फॉर्म एनिमल्स जो है वो रात को सोते हैं ठीक है पोल्ट्री वाले भी हैं वो भी रात को सोते हैं सिवाय फिश के फ़िश को मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा मे भी वो भी सोते हैं बट आ, ये आ, पोल्ट्री में जो हैन वगैरह है चिकन तो ये रात को सोते हैं ठीक है कुछ परिंदे हैं जो रात को सोते हैं और uh, कुछ जानवर हैं जो रात को सोते हैं आपने उनके नाम लिखने ठीक है इसके आंसर में जो पोइट जो शाइन्स ऑन द मून ऑन एट नाइट इसमें आपने उन एनिमल्स के नाम लिखने जो आप जो रात को जागते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन एफ uh, है इसमें आपने उन जानवरों के नाम लिखने उन मखलूक़ के नाम लिखने हैं जो रात को सोते हैं सिंपल एंड ईजी ये मैं यहाँ नहीं लिखवा रही ये आपका होमवर्क होगा आपका होमवर्क ये भी है जो फोर क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो लेसन में किए हैं और uh, आपने ये बाकी दो क्वेश्चन भी ओके दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप यू लर्ट एंड एन्जॉय थैंक्स फॉर योर टाइम विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما